हरि ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली 14 तारीख को आने वाली है और इस दिवाली में कुछ विशेष है, इसलिए आप लोगों के लिए मेरा शुभकामना के साथ कुछ बोलना भी है। इस साल खास करके ये कोरोना के कारण और ये वायु प्रदूषण के कारण जो फटाके फोड़ना, इसके लिए सरकार के तरफ से भी और एक साधारण समझदार नागरिक के लिए ये अनिवार्य है कि जहाँ वायुमंडल बड़ा प्रदूषित है वहाँ पर आप लोग थोड़ा संयम बरतना चाहिए और फटाके नहीं फोड़ना। और रहा नहीं गया, एक आधे फोड़ दिया थोड़ा चुपचाप जिस पर मेरा कहना यह है, आप लोग ये वायु प्रदूषण के लिए कारण नहीं बनना, दूसरों को रोग फैलाने में कारण नहीं बनना। और ये प्रकाश का त्योहार है, इसमें फटाके तो फोड़ते हैं और शब्द का भी है महत्व है, शब्द ब्रह्म है। और ये सब जो फटाके फोड़ते हैं इससे बहुत किस्म के जो कीट पतंग जो हानिकारक होता है वो सब मर जाते हैं। दीपक जलाने से भी जो जरूरत नहीं, प्रकृति उसको नहीं चाहती है और ज़्यादा देर तक अविश्चित काल में वो अपने आप कुछ मर जाते हैं। और बाकी सब हमारे दीपक जलाना और फटाके फोड़ने से वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, लेकिन वायुमंडल अगर अशुद्ध है पहले से और इसके द्वारा हम ज़्यादा अशुद्ध नहीं करना चाहिए, ये विचार योग्य है। इस साल खास करके बहुत सारे शहरों में बयान किया गया है, उसको मान लेना चाहिए। और ये जो प्रकाश का त्योहार है, ये हम लोग अपने पिताजी का, अपने गुरुदेव का, अपने दादा परदादाओं का फोटो क्यों रखते हैं? एक प्रतीक है, एक स्मृति है। वो फोटो को जब देखते हैं हम तो हमारे पिता दादा ये सब का याद आती है, फिर हम उनका स्मरण करना और उनका पूजा करना। इसी के ऊपर तो लिंग पूजा होता है, शिवलिंग का। शिव जी जो है अनंत अनादि है और उनको साधारण पूजा नहीं किया जा सकता है, द्रव्यों से पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिंग का पूजा होता है। लिंग मतलब प्रतीक चिन्ह, और उसी को मन में रख करके
प्रकाश का चिन्ह क्या होगा, प्रकाश का लिंग स्वरूप क्या होगा, दीपक ही होगा। जो परम प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश, जो परमात्मा सर्वत्र हैं, ज्ञान रूप हैं, अनुभवात्मक ज्ञान रूप जो परमात्मा का स्वयं प्रकाश स्वभाव है, अपने आप दूसरा कोई प्रकाश उनको प्रकाशित नहीं करता है, खुद प्रकाश स्वरूप है। यस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, उसके प्रकाश से सारे सूरज चंद्रमा सब प्रकाशित होते हैं। तो वो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा, उनको अच्छी तरह याद करने के लिए ध्यान पूर्वक, उनका पूजा करने के लिए ध्यान रूपक पूजा करने के लिए, उनको प्रकाश रूप में हम छोटा सा प्रतीक और दीपक जलाते हैं। कोई भी प्रकाश वो सारे परमात्मा का प्रतीक है और उसी के लिए हमारा ये दीपावली, खास करके ये अंधकार पूर्ण रात्रि को प्रकाशित करना, इसका एक हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का परंपरा में इसको एक त्योहार माना गया। और जितना हो सकता है दीपक तो हम जलाते हैं सब, और ये दीपक भी एक आनंद का कारण होता है। देखो जितने लाइट होगा उतना आनंद आता है। तो हमारे जितने सब त्योहार है, वह त्योहार का मूल उद्देश्य यही है। संसार में हम दैनिक दैनिक जो व्यवहारिक जिंदगी है उसमें कितने परेशान रहते हैं, कितने समस्याओं का समाधान कर सम्मुखीन होते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, उसको छुटकारा पाने से पाने के लिए उससे ये त्योहारों का व्यवस्था होता है। हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में ये त्योहार सब मनाया जाता है। और सबके पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। यह ऐसा कोई मीनिंगलेस नहीं है। और इसीलिए हम दिवाली को दीपावली और आलोक का त्योहार मानते हैं, और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा मतलब उनका ध्यान, और उसके लिए ही हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना चाहिए, और अगर दीपक से वायुमंडल दूषित होता है तब तो फिर उसको जितना कंट्रोल में करना है उतना करना चाहिए, वो विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए। और फटाके भी मैं बताया, ये फटाका फोड़ने के पीछे बहुत कारण भी है, वो हमारा एक त्योहार का एक अंग है, लेकिन उद्देश्य है हमको आनंद मिलना चाहिए, वायुमंडल को शुद्ध करना है। और वायुमंडल अगर दूषित हो जाता है तो फिर वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए हमको उसको नहीं करना चाहिए। और इस ढंग से हमारा दिवाली आनंद आपको ला दे, और सबके घर घर में, घर घर में मतलब ये देह रूपी घर में प्रकाश का प्रकाश हो, सबका जो हृदय गोबर है उसमें प्रकाश हो, परमात्मा का ध्यान हो,
और उसका जो शब्द, वो शब्द के पीछे खाली इतना कारण नहीं, शब्द पहला सृष्टि का पहला कारण है शब्द, और वह शब्द से ही सृष्टि हुआ है। शब्द मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी का पहला विकास शब्द के रूप में होता है, इसीलिए उसको परमात्मा को याद करने के लिए शब्द ब्रह्म के हम त्योहार करते हैं, फटाके फोड़ते हैं। ये मीनिंगलेस नहीं है, लेकिन हमारा जो ये कार्य है ये अगर दुखदायी हुआ तो फिर हमारा फटाका फोड़ना, दीपक जलना, सब जलाना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए विवेक को काम में लो, जितना जरूरत है उतना करना। एक आधे फटाका फोड़ दिया कोई बात नहीं, और वो ग्रीन फटाका वो ग्रीन फटाका कैसे होता है पता नहीं, एक आधे छोटा मोटा कुछ परमात्मा को, शब्द ब्रह्म को याद करने के लिए। शब्द का त्योहार हम मनाते हैं, और वो शब्द ब्रह्म प्रणव का स्वरूप आपका दिल में हमेशा ध्यान के रूप में बैठे रहे। ओंकार साथ शब्दस्य द्वावे तो ब्राह्मणः पुरा कंठम विद्वा विनिर्जातो तस्मान मांगलिका उभौ। ये शब्द जो है ये मंगलदायक होता है। जब शादी शुदा करते हैं हमारा फटाका फोड़ना और गाना गा करके नाचना, ये शब्द का तो सारा खेल है। तो शब्द के पीछे हम परमात्मा को याद करना हमारा तो परम कर्तव्य है। वो अगर नहीं हुआ और शब्द से अगर ये वातावरण दूषित होता है तो फिर ये उसका कोई आवश्यक नहीं। वो अर्थ को, उद्देश्य को समझ करके हम आगे बढ़ना चाहिए। मेरा प्रार्थना आप लोगों को कि जितना आवश्यक है उसको करना है, और मेरा प्रार्थना भगवान के पास, वो शब्द ब्रह्म के पास, और वो स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति परमात्मा के पास, आपके दिल में वो अनाहत ध्वनि गुंजे और प्रकाश, वो जो परम प्रकाश है वो प्रकाशित हो, आपका अंदर बाहर सब जगह पर प्रकाश हो, आप प्रकाशमय हो जाओ, और शब्द ब्रह्म के नाद बिंदु कलातीत हो करके और परमात्मा में मिल जाओ। ये दिवाली के लिए मेरा प्रार्थना परमात्मा के पास, शुभेच्छा और हार्दिक अभिलाषा। जय हो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वयं ज्योति की जय। शब्द ब्रह्म की जय। हरिओम।